आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वंदे मातरम पर विवाद में फिर से उबाल है उत्तराखंड की नई नवेली बीजेपी सरकार, और ये बीजेपी सरकार वहां के इंटर कॉलेज में वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य करने जा रही है। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय की अपनी आपत्ति रही है, यानी के वंदे मातरम पर विवाद की नई किश्त तब तय हो चुकी है। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। देश की कुछ सरकारें वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य करने के पक्ष में हैं, जो एक जमात को मंजूर नहीं। वंदे मातरम को जरूरी बनाने का नया प्रयास उत्तराखंड में शुरू हुआ है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसे लेकर सहमति है। अगले सत्र से सभी कॉलेजों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान लागू होगा। ये भी हमारे कुलपतियों की बैठक होगी, प्राचार्यों की बैठक होगी, और सारे डिग्री कॉलेज में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सब लोग चाहते हैं कि होना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इससे पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग धमकी भरे स्वरों में कहा था कि अगर उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तब उन्होंने ये बयान मुख्यमंत्री और स्पीकर की मौजूदगी में दिया था। उत्तराखंड में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना। उत्तराखंड से पहले यूपी के कई शहरों में वंदे मातरम पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। अल्पसंख्यक अड़े हैं कि वो इस गीत को नहीं गाएंगे, और सत्ता में बैठे कुछ लोग आमादा हैं कि वंदे मातरम सबको गाना होगा। एक के लिए वंदे मातरम कुफ्र है तो दूसरे के लिए देशभक्त होने का सर्टिफिकेट। जिस देश में रहते हो, जिस देश से तुम्हारी पहचान है, जहाँ आप जन्म लिए हो, उसकी अगर उसका गुणगान गाया जाए तो कहां से किसी ने कोई गलत काम किया। वंदे मातरम शुरू होने से पहले हम लोग सदन से बाहर रहते थे, और वंदे मातरम होने के बाद ही हम सदन के अंदर जाते थे। लेकिन सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम किसी तरह का विरोध करते हैं उनका। यहां पर भारत का संविधान कहता है कि यहां पर हर धर्मों के लोगों को अपने अपने तरीके से अपने मजहब को मानने की इजाजत है। जनगणमन अधिनायक जय है, और राष्ट्र गीत जब तक दोनों नहीं ठीक से गाया जाएगा राष्ट्र का उन्नयन नहीं हो सकता, इस नाते राष्ट्रगीत आवश्यक है। वंदे मातरम पर विवाद अदालत की हद तक भी पहुंचा, लेकिन असली सवाल वंदे मातरम को देशभक्ति से जोड़ने और घटाने को लेकर। इसका सीधा नुकसान सामाजिक ताने बाने को हो रहा है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो यहाँ पर हैं। श्रीराज नायर जी जो कि प्रवक्ता हैं VHP के, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, नदीमुद्दीन जी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मौलाना यासूब अब्बास साहब जो कि प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो जुड़ गए हैं। और चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए जी, दिल से गाना और किसी पर थोपना, आपको नहीं लगता कि इस देश में संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि थोपा जाए? और अगर उत्तराखंड सरकार ऐसा कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठ सकती है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए थोपने की बात नहीं है। संविधान सभा ने जिसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने जिसको माना कि राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन का जज्बा पैदा करने वाला गीत है, जिस गीत को महात्मा गांधी ने गाया, जिस गीत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गाया, जिस गीत पर मौलाना आजाद को भी आपत्ति नहीं रही, उस गीत को गाने में सिर्फ कुछ लोगों को चूंकि उनको बखेड़ा खड़ा करना है, यदि उसकी भावात्मक ढंग से कोई अभिव्यक्ति भी करता है तो उस पर आपत्ति खड़ी हो जाती है। और विद्यालयों में जो है, यदि वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है संविधान के अनुसार, राष्ट्र ने उसको स्वीकारा है और संविधान सभा के विद्वत सदस्यों ने स्वीकारा है, उसमें तमाम मुस्लिम सदस्य भी संविधान सभा में मौजूद थे, उसमें से किसी की कोई आपत्ति नहीं है, और यदि वो विद्यालय के में यदि उसको जो है अनिवार्य रूप से गाने की बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम जो है जैसे सलाम भारत कहा जा सकता है वैसे वंदे मातरम कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? मौलाना अंसार रजा साहब को कहा जा सकता है, आप बोल रहे प्रेम के बीच में इंतहा कहा जा सकता है, तो मुझे लगता है कोई आपत्ति, क्या दिक्कत है रजा साहब कि कोई आपत्ति किसी को नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत तो बीजेपी को यह है कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमान बाहर निकल करके दूसरा मुल्क बना लें। ये रविश पे चल चुके हैं बीजेपी के लोग।
मैं एक बात जानना चाहता हूं, बहुत इज्जत मान, एक मिनट, आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं। शुक्ला जी सुन लीजिए, शुक्ला जी मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बहुत सम्माननीय हैं आप, हम बहुत एहतराम करते हैं आपका, एक बात का जवाब दीजिए, क्या देश की आजादी से लेकर के अब तक लोग इतने देशभक्त नहीं थे क्या, जो बीजेपी के आने के बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको वंदे मातरम गाना होगा वरना उत्तराखंड में रहना हराम हो जाएगा। संविधान सभा में जब इसका प्रावधान किया गया, संविधान सभा को क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा संविधान सभा है क्या, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या वंदे मातरम? और देखिए एक कंफ्यूजन तो आप लोग फैला रहे हैं, कि हमें राष्ट्रगान से भी तकलीफ है, राष्ट्रगीत से भी तकलीफ है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ एक लफ्ज जो भारत भाग विधाता है राष्ट्रगान में, उससे तकलीफ है, पूरे गीत से कोई तकलीफ नहीं है। जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, इस लफ्ज के अलावा किसी और लफ्ज से कोई तकलीफ नहीं है। कंफ्यूजन मत फैलाइए, आप क्यों जबरदस्ती राष्ट्रगान वंदे मातरम कहलवाने पे आमादा है भाई? आप विकास के नाम पे आ रहे, विकास की अब तक आप लोगों ने 3 साल दिल्ली सरकार, आज तक विकास की बात आपने नहीं की, कुछ बस की आप लोगों के नहीं रहा, खाली आप मोदी जी को बदनाम करने के लिए पूरी बीजेपी ने कमर कसर की है कि किसी तरीके से मोदी जी को एक पद से हटाया जाए, कि इनके बस की कुछ काम धंधा नहीं रह गया है, ये सिर्फ ये करवाएंगे। आप लोग सबसे बड़े दुश्मन है मोदी जी के, वो आदमी विकास के नाम पे आया है, विकास के नाम पे आया है, मैं करता हूं कि आप विकास की बात करने के लिए तैयार हैं, और आप कभी गौरक्षा लेकर के आते हैं, कभी वंदे मातरम लेकर के आते हैं, कभी भारत भाग्य विधाता लेकर के आते हैं, अरे विकास की बात कीजिए ना। ठीक है, एक सेकंड प्रेम जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, वंदे मातरम जब संविधान सभा ने स्वीकारा, उसके अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी थे, और उसको राष्ट्र, मैं मौलाना आजाद का फॉलोवर नहीं हूँ, एक प्रक्रिया है, सुन लीजिए, उस प्रक्रिया को स्वीकार, मौलाना आजाद ने क्या जिनको जिस वंदे मातरम को महात्मा गांधी ने गाया, आज कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी ने तो बहुत कुछ गाया, इससे क्या आप कह रहे हैं कि महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पे बीजेपी चल रही है क्या? बार-बार महात्मा गांधी का कुछ नहीं कहना है, जिस रविश पर इस वक्त बीजेपी चल रही है, क्या गांधी का रास्ता है? एक आदमी गाय लेके जा रहा है, गोली मार दीजिए, अलग रखिए, गांधी का रास्ता है क्या? अरे सुन तो, आप गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने गाया, सुन लीजिए, गांधी जी ने गाया, अरे कितनी बात कर रहे हैं आप गांधी जी की, क्या इसमें गलत क्या कह रहा हूँ, गलत क्या कह रहा हूँ, कितनी बात कर रहे हैं गांधी जी ने गाया, इसमें गलत क्या कह रहा हूँ, चल रहे हैं गांधी जी की, किस किस बात पे चल रहे हैं गांधी जी की, गांधी जी को हमसे, गांधी जी को हमारे अलावा सुन कौन रहा है? गांधीवादी समाजवाद तो हमारा जो है वो थ्योरी रही ना, एक सेकंड मौलाना अंसार रजा साहब, आपने कहा कि मैं मौलाना आजाद का फॉलोअर नहीं हूँ, बिल्कुल इस देश के फॉलोअर है ना, बिल्कुल है, वहाँ संविधान के फॉलोअर है, एक शब्द पर अटक कर एक पूरा गाना जो इस देश में आजादी के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस देश में आपको स्वाभिमान देता है, एक शब्द के इर्द गिर्द क्यों आप इतने मतलब जिद्दी हो जा रहे हैं कि उसकी वजह से आप सब कुछ ध्वस्त कर देना चाहते हैं, नकार देंगे, नहीं गाएंगे एक शब्द? अंजना जी, हम जिद्दी हो रहे हैं या बीजेपी हमें जिद्दी बना रही है? हम आपके कहने से गाएंगे क्या? आपके कहने से देशभक्ति हमारे दिल में जागेगी क्या? मौलाना अंसार, क्या इससे पहले मुल्क आजाद हुआ 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कहीं समझने का प्रयास कीजिए, क्या कांग्रेस देशभक्त नहीं है क्या? हम का विरोध कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, मोहम्मद अली जिन्ना के मुरीद हम नहीं है, आपके आडवाणी जी है जो उनकी मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आडवाणी के मजार पे नहीं जाता, जो आजाद को मानते हैं के मजार पे नहीं जाता, मैंने लोगों को शामिल करने नहीं जाता, जो वंदे मातरम कहते हैं जिनको जाना था वो जाके वंदे मातरम देख करके, आप क्यों जिन्नावाद के कुचक्र में क्यों फंस रहे हैं? हम नहीं फंस रहे हैं, अन्य लोगों को शामिल करना चाहते हैं ना, तो उस वक्त जिन्ना पॉलिसी, अन्य लोगों को शामिल करना चाहते हैं। नदीमुद्दीन जी देखिए, वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं है, वंदे मातरम 1870 में नहीं, मुझे आपत्ति है, नहीं सुनिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे वंदे मातरम पे आपत्ति है, नहीं सुनिए आप पहले बात, हाँ, पहले बात, अरे आपको नहीं है तो आप अपनी बात कीजिए, ठीक है आपकी आपत्ति पूरी सुनी, पहले पूरी सुनिए, 1870 में इसकी रचना की गई, हाँ। हिंदू मुसलमान दोनों इस वंदे मातरम के अंडर में फ्रीडम फाइट यानी देश की आजादी के लिए लड़े, सुनिए एक बात,
अगर इसका अर्थ ये है कि हम देश की पूजा करेंगे तो मुसलमान इसका पूजा नहीं करेगा, अगर इसका अर्थ है कि हम रेस्पेक्ट करेंगे तो मादरे वतन का हम रेस्पेक्ट करते थे और करते हैं, बस करते इतना ही है। एक बस इतना ही है, हाँ इतना ही है, वही है भैया। वंदन का मतलब नमस्कार और नमन और सलाम। बस बस, अगर नमस्कार है तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है इसके कहने पर। ठीक है, मैं अब्बास साहब आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहती हूँ। देखिए अंजना जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वंदे मातरम, ए माँ हम तुम्हें नमन करते हैं, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। वो अल्लाह को जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके और हम अल्लाह को एक मान चुके तो वंदे मातरम कहने में क्या हर्ज है, और वंदे मातरम कहने में कौन सा हमारा इस्लाम कमजोर हो जा रहा है, कौन सा हमारा मजहब खतरे में पड़ा जा रहा है? किसी को हर्ज नहीं है, किसी को आप थोपना नहीं चाहिए कि आप थोप रहे हैं। वंदे मातरम कहने से कोई देशभक्त हो जाएगा क्या? मुसलमानों ने कब कहा है कि वंदे मातरम से अगर हमें आपत्ति है तो अंजना जी उसे कहना चाहिए, अगर कोई नहीं कहता है तो उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है यासूब साहब, आपका मसलक इजाजत देता होगा आप कहिए, आप कहां से बोल रहे हैं वो सबको पता है, हम नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब आप अपनी बात कीजिए, मतलब उनकी वो अपनी राय दे सर, तो आप तुरंत उनको रंग देंगे किसी रंग में। नहीं हमें मालूम है ना, हमें मालूम है किस रंग में कौन बोल रहा है। अरे उनकी हमें मालूम है कौन किस रंग में बोल रहा है, आपको थोप रहे हैं उन पर। किस रंग में बोले नहीं, हम थोप नहीं रहे हैं, कौन किस रंग में बोल रहा है सब हमें मालूम है। आप थोप रहे हैं, हमने क्या कहा? आप अपनी बात कीजिए। आपकी बारी है, मैंने बात कही कि मैं नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल कौन की जिम्मेदारी ले रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप अपनी बात कीजिए, कौन किसी रंग में, आप अपनी बात कीजिए। वंदे मातरम कहने में आपको क्या इतराज है? हमें इतराज है, हम अपने रब को रब मानते हैं, हम किसी माँ के बंदे नहीं है, अपने रब के बंदे हैं। आप मानते हैं तो आप मानिए, आप कहिए योगी जी के बंदे हैं, आप कहिए मोदी जी के बंदे हैं, आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ अपने अल्लाह से बंदे हैं, हम सिर्फ अपने अल्लाह से बंदे हैं। हम ना तो योगी जी के बंदे हैं, ना मोदी जी के बंदे हैं, ना योगी की चौखट पर जाके हम बंदे बंदे मान ले, ना मोदी जी की चौखट पर। आप उनको डरा रहे हैं क्या राजा साहब? आप डरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको हम भाजपा ही कह देंगे अगर आप वंदे मातरम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने मोदी और योगी का सर्टिफिकेट डाल दिया, उनको दुनिया जानती है, भाजपा ये कहने की क्या जरूरत है? वो दुनिया जानती है वो भाजपा ही है, कहने की क्या जरूरत है उसमें? इनके अलावा शेष सारे भाजपा ही हो जा रहे हैं। अब्बास साहब, वो दुनिया जानती है, वो भाजपा ही है, वो उसमें कहने की क्या जरूरत है? ये सही है, बस ये खुद अपीलें करते हैं। मैंने कभी भाजपा के लिए अपील की हो, कभी सपा के लिए अपील की हो, कभी कांग्रेस के लिए अपील की हो, तो सीधे सीधे जो अपील नहीं की जाती है। आज के बाद में टीवी डिबेट होता है, ऐसी होती है जिसमें अपील नहीं की जाती है, ऐसी बात होती है, डंडे की चोट पर कहा जाता है। हां जैसे आपने डंडे की चोट पर डीएसपी के साथ, बिल्कुल डीएसपी के साथ जुड़े हैं, बिल्कुल मैंने कहा आप डीएसपी के साथ जुड़े, बिल्कुल जुड़े। आप एक अलग पार्टी में गए जो अलग वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। हम अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, अपने भारत के लिए गर्दन सिधा सकते हैं, खड़ा कर दिया, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंदे हम खुदा के हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यासूब अब्बास किसके बंदे हैं जो वो फैसला करेंगे? हमें पता है हम अपने रब के बंदे हैं। जब इस्लाम पर वक्त पड़ा तो किसने गर्दन कटाई जी? अरे किसने गर्दन कटाई? जब इस्लाम पर वक्त पड़ा तो आप लोग भाग गए, खाली टीवी डिबेट पे बैठ के आप इस्लाम इस्लाम व्यक्तिगत आरोप के बजाय कंट्रोल में आप मुद्दों पे बोलिए। यासूब साहब कंट्रोल में रहिए, टीवी पर बैठे कंट्रोल में रहिए। वंदे मातरम, अगर खोलने पे आ जाएंगे वंदे मातरम है, वंदे मातरम के अगर खोलने पे आ जाएंगे भाग जाएंगे आप। सुनिए, अरे यासूब साहब खोलने पे आ जाएंगे भाग जाएंगे आप। कंट्रोल में रहिए, देखिए आप हद में हद में रहिए, अपनी नहीं हो अपने कंट्रोल में रहिए। दौड़ा लीजिए या जो आपकी आवाज से भाग जाए, मैं आप बाहर जाएंगे अगर हम बोलने पे आएंगे तो। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम व्यक्तिगत मुद्दे पर लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं, हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। अरे आप भाग जाएंगे, आप नहीं टिक सकते, आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। कैसी बात कर रहे हैं अंसार अल्लाह साहब? हम क्या बात कर रहे हैं? आपको भी पता है, वो आपको भी पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो आपको भी पता है हम क्या बात कर रहे हैं। कैसे मुल्लाओं ने
मजहब का तमाशा बना के रख दिया है। मजहब का तमाशा तो आप बना रहे हैं डेली, मजहब का तमाशा आप बना रहे हैं डेली, नेताओं की चौखट पर मुनहर रख के आप बना रहे हैं मजहब का तमाशा। आप झगड़ने के लिए आए हैं या मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं? मुद्दों पे बात करिए। वंदे मातरम का आप 5,000 रुपए में फतवे देते हैं। एक सेकंड, मैं अभी तो मेहमानों के पास नहीं जा पाई। 5,000 रुपए में फतवे देते हैं। एक सेकंड, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? वंदे मातरम देखिए, मुसलमान अल्लाह की इबादत के अलावा नहीं करता। साहब एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का लाइन आने दीजिए। कांग्रेस पार्टी सप्रा साहब, क्लियर स्टैंड है इस पे? अंजना जी, हाँ सप्रा साहब, अंजना जी देखिए, भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो राष्ट्र प्रेम करता है और उसको राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। 1950 में कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति थे, इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया है और ये सभी ने गाना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन नहीं है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए इसमें। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो विकास को तो पीछे छोड़ करके आजकल इन्हीं मुद्दों को ले रही है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो खत्म हो जाओगे, गौ रक्षा की बात करते हैं, या उनके हैदराबाद का एमएलए सर कलम करने की बात करता है, यानी ये किस तरफ देश को और राज्यों को ले जा। उत्तराखंड में ये किया गया है, अगर इसे थोपा जाता है वंदे मातरम को तो ये कितना सही है? वंदे मातरम, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहल हुई है कि इसे कई जगहों पर बाध्य किया जाएगा। अब सवाल यही है कि उत्तराखंड में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, कितना सही कितना गलत, क्योंकि संविधान सीधे तौर पर इसे नहीं थोपता है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं नदीमुद्दीन साहब, एक बार मैं श्रीराज नायर साहब के पास, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, उनके पास जाना चाहती हूं। नायर साहब, यहां पर बैठे मौलाना अंसार रजा साहब का कहना है कि हमें इसलिए आपत्ति है क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अगर तैयार नहीं है वो हिस्सा, जिसे यही सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास करना है, तो क्यों थोपना? मन से कुछ भी गाएं, थोपना सही है क्या? अंजना जी, पहले बात तो ये बता दूं कि मौलाना साहब को मालूम होना चाहिए कि उनके जन्म के कई वर्षों पहले ये लिखा गया और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के जब आजादी का ये आंदोलन चला था, सभी ने अपने दिल से हृदय से खूब गाया। और मैं ये भी बता दूं आपको कि अब भी किसी को आपत्ति नहीं है, ये कुछ मौलाना लोग जो बिल्कुल गैर जवाबदार है, जो पेट्रो डॉलर्स पे पलते हैं, वो पूरे समाज हिंदू मुस्लिम समाज और पूरे देश में माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोगों को भड़काते हैं। आरोप की आरोप मौलाना साहब सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। आपको राष्ट्र यहाँ पे आप देखिए, नहीं नहीं, आपने जो ये बात कही है, आपने जो बात कही है, क्या ये साबित कर सकते हैं आप इंटरनेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं? आपत्ति क्या है? राष्ट्रगान यहाँ पे सभी नहीं नहीं, बात करिए, मुद्दों की बात करिए। आप ये बताइए, आपने जो बात कही पेट्रोल डॉलर पे बिकने वाले, क्या ये साबित कर सकते हैं आप? की बात मौलाना साहब, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, कृपया करके चुप रहे, मैं जब बोल रहा हूँ आप झूठ नहीं बोलिए ना। पहली बात ये बोला उन्होंने, आप जानते हैं साबित कर सकते हैं गुर्बत जिस तरह से जिहालत है, आप लोग सही दिशा में मुसलमानों को ले जाने के बजाय आप केवल उनको भड़काते हैं, राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। वो चाहिए राष्ट्रगीत गाने का आपत्ति क्या है? आखिरी दिन था जावेद अख्तर साहब का, आखिरी दिन जब आपके गुलाम होंगे, जावेद अख्तर के गुलाम नहीं है, मुसलमानों का आपत्ति नहीं है। आप लोग ये खड़ा कर रहे हैं, आप लोग खड़ा कर रहे हैं, आप मुसलमानों को सही दिशा देने की बजाय आप उनको यहाँ पे किसी मुसलमान को बोल रहे ये वंदे मातरम कहने में आपत्ति नहीं है।
जावेद अख्तर साहब ने आखिरी दिन खड़े होकर आप कोई अरब से आए हुए नहीं है, आप इस जावेद अख्तर के महात्मा है। आप सुनिए, आप अरबी मत बनिए, आप भारतीय बनिए। हम भारतीय हैं, भूल जाते हैं, और आपसे ज्यादा भारतीय हैं। लोग नायर साहब आपसे ज्यादा भारतीय हैं। और आप भारतीय हैं तो राष्ट्रगान गाने में आपको आप राष्ट्रगान हम गाएंगे, मौलवी साहब मर्तबा गाएंगे, लेकिन बीएचपी के कहने पे नहीं, रास्ते पे हम लोग बीजेपी के कहने पे नहीं, हम लोग प्रेम शुक्ला जी सरकार की तरफ से थोपे जाने के खिलाफ इनका कहना है। आप सम्मान तो करिए, आप सम्मान तो करते हैं। प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला अंजना जी, इस पैनल में दो आलिम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें वंदे मातरम गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, एक आलिम ऐसे हैं जिनको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी संविधान सभा में जो प्रस्तावित वंदे मातरम राष्ट्रगीत है उसके संदर्भ में उसका कहना कि गाने में कोई आपत्ति नहीं, इनका कहना कि संविधान ने कंपल्सरी नहीं किया, संविधान ने जो है उसकी बेअदबी करने का, उसका अवमानना करने का बारंबार उसको जो है वो भारत बेअदबी करना एक अलग चीज हो गई। शुक्ला जी, इस तरह के अधिकार किसी को नहीं दे रहे, अनादर करना अलग चीज हो गई, जो है ना अलग चीज हो गई। मातरम का गलत भी कोई नहीं कर रहा है, निकाल कर बेअदबी कोई नहीं कर रहा है, आपत्ति नहीं है कि वंदे मातरम की प्रकार की जिद से आप बताइए जिसको गाना है चाहे जो वंदे मातरम रंग की खाली बात है, ये आपकी आपत्ति है आपको, ऐसा नहीं राष्ट्रगान है। माँ तुझे सलाम कहने में आपत्ति नहीं है ना, तो वंदे मातरम भी माँ तुझे नमन कहने की बात है, आपत्ति क्या है? नदीमुद्दीन जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, शुक्ला जी सुनिए, अंजना जी मैं कह रहा हूं विधाता हम राष्ट्रगान में गाते हैं, अंजना जी मुझे इस्लाम के विरोध में हम गाते हैं, वंदे मातरम को पूजा और इबादत से अलग हो करके रिस्पेक्ट के दायरे में देखने की जरूरत है, और उसी एतबार से वंदे मातरम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए वंदे मातरम, वंदे मातरम गाते समय कोई आरती नहीं दिखाई जाती है, सुनिए पहले आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, वंदे मातरम को रिस्पेक्ट के दायरे में देख करके मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सुनिए, रजा को है नहीं, मुझे नहीं, भारत के उन मुसलमानों को जिनको अपने अल्लाह की जात पर भरोसा है, अगर नदीमुद्दीन साहब को अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है, सच्चाई है बिल्कुल नहीं, बंदे रहेंगे अरे भाई भाग्य विधाता बार बार भाग्य विधाता हमारा अरब है, एक सेकंड धमकाइए मत, आप धमका रहे हैं ना कि आप उनको मुसलमान नहीं मानेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये जो धमकाने वाली भाषा और ये घटिया भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये समाज को अलग, मुस्लिम समाज को ये लोग अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, जो षड्यंत्र है इनकी जवाबदारी है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो मुसलमानों के अंदर विवाद डाले, वही आपके टीवी चैनल पर दिख रहा है, कल को ये कहेंगे और ये जो दोनों बैठे हैं मुझे लगता है अगर वाकई एक तबका है जो चीजों को थोप रहा है तो उसी के प्लान भी है मौलाना अंसार रजा साहब जैसे लोग जो ये कहते हैं कि ये लोग दंगा करवा रहे हैं। मतभेद होना तो लोकतंत्र की ताकत होती है, मतभेद होना लोकतंत्र की ताकत है, बस एक दूसरे के मतभेद का और मत का सम्मान करना जरूरी है,
उसके लिए तैयार नहीं है। अगर आपने वंदे मातरम के हक में एक लाइन कह दिया तो आप फिर भगवान को नहीं मानते, आप अल्लाह को नहीं मानते, आप मुसलमान नहीं है। ये कह रहे मौलाना साहब, शब्दों का चयन करना गलत है, उसका अर्थ निकालना गलत है। अब्बास साहब से पूछा है, भारत भाग्य विधाता आज तक मुसलमान कहते आए हैं, क्यों भाई? भारत भाग्य विधाता क्या इस्लामीकरण है या इस्लाम के मुताबिक है? उस पर आपत्ति नहीं है तो मैं कहता हूँ उसी के हिसाब से वंदे आपत्ति नहीं है भाई। बार 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 क्यों कर रहे हैं ना? अरे क्यों पढ़ रहे हैं? आपको नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? आपको नहीं है ना? अरे क्यों पढ़ रहे हैं? आज तक क्यों पढ़ रहे हैं? आज तक क्यों पढ़ रहे हैं? अरे एमपी पढ़ रहे हैं, एमएलए पढ़ रहे हैं, कौन मना कर रहा है? अरे भाई आप पढ़िए ना, आपको किसने मना किया? अरे आप पढ़िए, किसी को कोई एतराज नहीं है वंदना जी। अब्बास साहब, एक सोनू निगम ने जी बताइए, किस तरह के बोर्ड में लोग? अब्बास साहब, सवाल है कि यहाँ पर तो नौबत ऐसी आ गई है कि या तो आप हमारी बात माने नहीं तो फिर आप अल्लाह को नहीं मानते, ये बात नहीं होनी चाहिए ना? आपने कहा ना सर, हम कोई नहीं है अल्लाह। अरे गलत बात कह रहे हैं, क्या ये फैसला? ये सब गलत बात कह रहे हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। इस्लाम को पर कोई खतरा नहीं है, फैसला मेरा इस्लाम को ही नहीं करेंगे। अल्लाह ने बदनाम करा के रखी है, अल्लाह जी नहीं करेंगे फैसला। क्या इस्लाम को किसने कहा? इल्ला बोले फैसला करेंगे, इस्लाम को नहीं करेंगे, फैसला करेंगे इन्हीं लोगों ने। ये कहा जो रब को खुदा ने सिखाया तो बस किसी के पीछे नहीं कर सकता, इस्लाम किसी को भगवान पिता नहीं मान सकता। अभी खाली वही बात, अब अगर आप कर रहे हैं तो कोई खुदा नहीं मानता है, अल्लाह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह एक है। देखिए वंदे मातरम को मुसलमान आपत्ति नहीं करेंगे, ये मुद्दा नहीं बनेगा। जब हम आपत्ति करते हैं कौन सी ऐसी चीज हो जाए, हम खामोश रहे, ये मुद्दा नहीं बनेगा। ये मुद्दे को हम बना रहे हैं, हम खामोश रहे, मुद्दा नहीं बनेगा। क्या नमाज पांच वक्त की तीन वक्त रह गई? क्या आपका इस्लाम को खतरा पड़ गया भाई? अगर कोई वंदे मातरम कह रहा है तो उसे कहने दीजिए। अरे तो हमने आपको मना किया है क्या? आप कहिए ना, एतराज करने के वास्ते। अरे हमने आपको मना किया है क्या? सुशांता साहब, मौलाना अभी मौलाना सुशांता साहब कह रहे थे कि बीजेपी एक सरकार एक दूसरा मुल्क बनवाना चाहती है, तो दूसरा मुल्क तो आप पाकिस्तान बनवा चुके हैं, अब हिंदुस्तान करने के लिए हिंदुस्तान के बैठे आज बात नहीं, आज बात यह है कि वंदे मातरम को बहस का अंत करना पड़ेगा ना, मजहब दीवार बन सकता है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in पर जरूर लॉग इन करें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।